आज रामनवमी पूरे देश के साथ रीवा में भी बड़े धूमधाम से मनाई गई। सुबह से ही किला परिसर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। रीवा के किला से एक बड़ी शोभा यात्रा भगवान राम की निकाली गई। भगवान राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार कहे जाते हैं। पूरे देश दुनिया के साथ रीवा में भी रामनवमी का त्योहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही भक्त अपने आराध्य को याद करने के लिए एकत्र होने लगे थे रीवा के किले में। वहां से भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई, जिसमें दूर दूर से आके भक्तजन शामिल हुए। भगवान राम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भगवान राम ने त्रेता युग में भक्तों का तख दूर करने के लिए, साथ ही रावण जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया था। भगवान राम मध्य दोपहर में कर्क लग्न और पुनवासु नक्षत्र में पैदा हुए थे। भगवान राम की जन्म की बात रामायण और रामचरितमानस जैसे तमाम ग्रंथों में दर्ज है। भगवान राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे। नवरात्र को लेकर एक बात और भी मानी जाती है। ऐसा कहते हैं, रावण ने जब सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम ने सीता को छुड़ाने के लिए, रावण को युद्ध में हराने के लिए देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया था। यह अनुष्ठान पूरे 9 दिन तक चला था। माँ जगदम्बा ने भगवान राम को रावण की पर जीत का वरदान दिया था, जिसके चलते तमाम भक्त आज के दिन एकत्र होते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं सीधे रीवा के किला परिसर में और दिखाते हैं वहाँ किस तरीके का नज़ारा आज दिन भर बना रहा। ये श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में, श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है। ये विगत 32 वर्षों से जो पद्धति चलती आ रही है, हम सभी हिंदू समाज के जितने भी सेनाएं हैं, सभी भक्तगण हम इस रैली को हर वर्ष निकालते हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ इसे मनाते हैं। उसी हर्ष उल्लास को यहाँ एकत्र दिखाने के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं और हमारी इसमें दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन का सहयोग मिल रहा है। मुख्य रूप से इसमें सबका सहयोग मेन रूप से है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, बजरंग सेना, क्षत्रिय सेना, ये जितनी भी सेनाएं हैं, सारी सेनाएं हमारे इसमें सहयोग कर रही हैं और जितने भी हमारे हिंदू समाज के भक्तगण हैं इसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भाग ले रहे हैं। और जी, मैं रेखा नामदेव, विभाग संयोजिका, मातृशक्ति, विश्व हिंदू परिषद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।